हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारी प्लस टू क्लास बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की है। इसमें हम ओजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओजेनेसिस होता क्या है, तो देखिए क्या होता है ओजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम ओजेनेसिस कहते हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है, इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ये ओजेनेसिस प्रोसेस तब स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या है, तो ओजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है, जब बेबी गर्ल वॉम में होगी उस दौरान जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तभी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो फीटस की जो ओवरी है, जितने भी ओगोनियल सेल्स, ओगोनियल सेल्स मींस जो गैमेट मदर सेल्स है, जितने भी फॉर्मेशन होनी है मिलियंस में हो जाती है। आफ्टर बर्थ कोई भी ओगोनियल सेल्स ना ही फॉर्म होंगे ना ही ऐड होंगे, तो नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म एंड एडिड आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं हम, जो ओगोनियल सेल्स जो हैं उनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगी। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न का मतलब क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न। तो माइटोटिक डिवीज़न की, माइटोटिक डिवीज़न के बाद क्या है, प्राइमरी ओसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n। ठीक है, 46 क्रोमोसोम नंबर है। अब जो ये प्राइमरी ओसाइट सेल जो है वो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट, वहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं अनटिल प्यूबर्टी बिगिंस। मतलब जब तक प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट नहीं होगी वो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट होके रह जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं हम। फिर क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट सेल्स जो है वो बहुत सारे ग्रैन्यूलोसा सेल्स की लेयर से सराउंडेड हो जाती है। मतलब बहुत सारे ग्रैन्यूलोसा सेल्स जो है वो उनको सराउंड कर लेते हैं। तो ईच प्राइमरी ओसाइट्स गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल्स इज नाउ कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स गेट डीजनरेटेड बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी एज तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेल्स डीजनरेट होते हैं। तो इसे एक हम टर्म देते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया। ठीक है, याद रखिएगा, इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, आप ध्यान में रखिएगा, जो डीजनरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स है, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया। अब क्या होता है, एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, देयरफॉर देयर आर ओनली अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी। तो कितनी, देखो मिलियंस में सेल्स बने थे, और फिर उसके बाद ग्रैन्यूलोसा सेल्स से वो सराउंडेड हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, और फिर प्राइमरी फॉलिकल सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाती है। तो कितने प्यूबर्टी एज तक कितनी सेल्स बचती हैं, 60,000 to 80,000 सेल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स की। और फिर उसके बाद क्या होगा, दीज रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल्स। तब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है उसके सराउंडेड और ग्रैन्यूलोसा सेल्स की लेयर सराउंड करने लग जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद क्या, वो then give rise to tertiary follicles। फिर क्या है भाई, और surrounded हो जाएंगी layers, तो वो tertiary follicles में convert हो जाएगी। The tertiary follicles is characterized by the presence of a fluid filled cavity। tertiary follicles में एक cavity बनती है जिसके अंदर fluid fill हो जाता है, तो उस fluid filled cavity को हम antrum बोलेंगे। और जो theca है वो दो layers में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी।
तो वो दो लेयर्स कौन सी हैं, इनर और आउटर। तो इनर थीका को हम इंटरना बोलेंगे और आउटर थीका को हम एक्सटर्ना बोलेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी ओसाइट्स ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। अब क्या है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कब हो रही है, एट द प्यूबर्टी एज। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न फॉर्मिंग ए लार्ज सेकेंडरी ओसाइट्स एंड ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। ये जो मियोटिक जो प्रोसेस जो है अब वो कंप्लीट हो रही है, और जब बिफोर बर्थ वो अरेस्ट होगी थी और एट द प्यूबर्टी एज वो कंप्लीट हो चुकी है, और वो किस और उन्होंने प्राइमरी ओसाइट्स किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स में। देखो अनइक्वल डिवीज़न होती है, अनइक्वल डिवीज़न क्यों बोला है, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट्स और पोलर बॉडी दो टाइप के सेल्स बन रहे हैं, तो सेकेंडरी ओसाइट्स का साइज जो होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर बॉडी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, सेकेंडरी ओसाइट रिटेन मच ऑफ द न्यूट्रेंट रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है। बहुत सारे साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। द टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। अब जो टर्सरी फॉलिकल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बन में, और सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म ए न्यू लेयर्स। और जो सेकेंडरी ओसाइट्स जो है वो क्या है, एक नई लेयर्स बनाती है जिसे हम जोना पेलिसुडा कहते हैं, जो कि इसके अराउंड होती है। तो ग्राफिन फॉलिकल्स नाउ रप्चर ड्यू टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट्स फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अब ग्राफिन फॉलिकल सेल जब मैच्योर हो चुके हैं तो वो क्या है, रप्चर टूट जाएंगी और फिर बाद में सेकेंडरी ओसाइट्स मतलब ओवम को रिलीज कर देगी ओवरी से। तो ओवा के रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ये स्ट्रक्चर है ओवरी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपको समझाया था वही चीज़ दिखा रखी है इस डायग्राम में। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के दौरान जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो थे मतलब ऊगोनिया सेल जो थे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए, ऊगोनियम सेल्स में। इमैच्योर ऊगोनियल सेल को हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलेंगे। डिफ्रेंशिएट होना मतलब मैच्योर हो जाना, वो मैच्योर हो जाते हैं ओगोनियल सेल्स में। माइटोटिक डिवीज़न होती है, माइटोटिक डिवीज़न के बाद वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स। अब जो प्राइमरी ओसाइट्स जो बने हैं, इसलिए देखो 2N से 2N लिख रहे हैं ये, ठीक है। अब प्राइमरी ओसाइट्स क्या है, अरेस्ट हो जाएंगी म्योस प्रोफेज फर्स्ट में। अब जब उसके बाद म्योसिस फर्स्ट जब प्यूबर्टी एज होती है तो क्या होता है, डिवीज़न होता है, दो सेल्स बनती है, अनइक्वल डिवीज़न बोला था। तो यहाँ पे देखो एक लार्ज सेल दिखा रखा है और दूसरा क्या है, स्मॉल दिखाया हुआ है। तो जो स्मॉल है वो क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो लार्ज साइज में है वो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट्स। अब सेकेंडरी ओसाइट्स कंप्लीट मैच्योर जब हो जाते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, ओवुलेशन। तो उस दौरान क्या है, फिर से दो सेल्स बनते हैं, जैसे एक ओवम मियोसिस सेकंड होती है और दो सेल्स बनते हैं, एक तो बनेगा ओवम फीमेल गैमेट और एक बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये प्राइमरी जो सेल्स कह रहे थे ना, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, टर्सरी फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, तो उस कंप्लीट का डायग्राम है। देखो ये जर्म सेल्स हैं, प्राइमरी मोडियल सेल्स, पहले प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनाएंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स बनाएंगे, फिर ये एंट्रल बीच में कैविटी, फ्लूड फील्ड कैविटी, और फिर ये प्री ओव्यूलेटरी स्टेज दिखा रखा है इन्होंने, और फिर ओव्यूलेटरी स्टेज दिखा रखा है। देखो यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी स्टेज में सेंटर में जो प्रेजेंट है वो तो ओवम है, और जो ये स्टॉक जो दिखाई दे रही है आपको वो क्या है, उसे हम बोलेंगे क्यूमुलस ओफ्यूरस। तो ये क्या होता है, मैच्योरिंग ओसाइट्स है, अडहेर टू द वॉल ऑफ द फॉलिकल्स थ्रू ए पेडिसल्स, ठीक है। तो ओसाइट्स जो होते हैं जो फॉलिकुलर सेल्स के साथ अटैच
जो अटैचमेंट जो है, जो पेडिसल्स जो दिखाई, स्ट्रोक जो दिखाई दे रही है, वही क्या है, क्यूमुलस ऑफ्यूरस है। फिर उसके बाद देखिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट ग्राफेन फॉलिकल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, सारे सेल्स दिखा रखे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इन स्ट्रक्चर को, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। तो ये सभी सेल एक्सटर्ना बाहर की साइड है, इंटरना अंदर की साइड से है। कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती है, जो ना पैलिसुडा आपने किया था, जब वो कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं सेकेंडरी ओसाइट्स, तो उसके वो किससे सराउंडेड हो जाते हैं, जो ना पैलिसुडा सेल्स से। तो आपके दिखाई दे रहा होगा बीच में एग सेल्स प्रेजेंट है, और जो ये स्टोक जो है पेडिसल जो ग्राफेन फॉलिकल सेल्स के साथ जो अटैच करके रख रही है एग सेल को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ऑफ्यूरस। अब वही फ्लो डायग्राम दोनों का दिखा रखा है इन्होंने, एक साइड स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक साइड ओजेनेसिस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, फीटल लाइफ, मतलब जब फीटस है उस दौरान। तो ओगोनियल सेल्स बनते हैं प्राइमरी ओसाइट्स, फिर आफ्टर बर्थ ये अरेस्टी है प्यूबर्टी एज में, फिर ये प्यूबर्टी एज में जो म्यूटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर वो सेकेंडरी ओसाइट्स बनाते हैं, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और फिर बाद में सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर डिवीजन होती है, और फिर ओवम और सेकेंडरी पोलर सेकेंड पोलर बॉडी बनाते हैं। हमारा ये ओजेनेसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे।